कल अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी की थी, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में स्टडी की थी। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का परिकलन किस तरीके से किया जाता है, उसका हमें फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो हेडिंग हमने डाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर एक बिंदु आवेश रखा, बिंदु आवेश ले लिया मैंने स्मॉल क्यू, ठीक है, जो कि इस जगह इसकी लोकेशन दे दी मैंने पॉइंट ओ। एक पॉइंट चार्ज है जो कि ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। इस ओ पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर एक और पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये हमने ओ पॉइंट पर एक चार्ज लिया है, पॉइंट चार्ज लिया है स्मॉल क्यू। इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखना है क्या होगा, विद्युत विभव हम देखेंगे कि इस पॉइंट पी पर विद्युत विभव क्या होगा। तो इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर विद्युत विभव निकालने के लिए यहां हमने इन्फिनाइट माना, इस इन्फिनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज रखा था क्यू नोट। हमने क्या किया, यहां इन्फिनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज माना, यह भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, ये अभी इन्फिनाइट पे है, तो इन्फिनाइट पे तो इस पे ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और न ही इस पे कोई विभव होगा। अब हमें देखे क्या होना है, ये इन्फिनाइट पे रखा है, इस इन्फिनाइट से हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल निकालने के लिए इस चार्ज को, ये वो यूनिट चार्ज बन गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वही वर्क हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है अनंत से किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज बन गया यहां पर क्यू नोट, इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट से यहां लेके आएंगे। अब चूंकि इन्फिनाइट से हम इसको यहां तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिनाइट से हम इसको यहां तक लेके आ रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हम मानेंगे कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ए पॉइंट तक लेके आएंगे, इन्फिनाइट से टेस्ट चार्ज को कहां तक लेके आएंगे, ए पॉइंट तक, ठीक है।
फिर धीरे धीरे करते हुए पी पॉइंट तक लेके आएंगे। मतलब ये वर्क हमें एलिमेंट्री करना होगा। जब भी कोई वर्क, बड़ा वर्क हम करते हैं तो वो एक साथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। ठीक वही काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो इन्फिनाइट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? इन्फिनाइट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू। इन्फिनाइट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, तो मैं लिख देता हूं वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज टू कैरिंग इट वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज टू कैरिंग इट टू पॉइंट ए टू पॉइंट ए अगेंस्ट द फोर्स। चार्ज पर, इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है क्यू ई अगेंस्ट द फोर्स। जो फोर्स कौन सा है वो है क्यू ई। कहां से लेके आए हैं? इनफिनाइट से। वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज टू कैरिंग इट टू पॉइंट ए फ्रॉम इनफिनाइट अगेंस्ट द फोर्स क्यू ई। तो इस अनंत पर रखे क्यू नॉट आवेश को इस ए पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य एलिमेंट्री है। पूरा पी तक नहीं लेके आ रहा हूं, पहले ए तक ही लेके आया हूं, तो इसे एलिमेंट्री वर्क बोलेंगे। तो एलिमेंट्री अल्पांश कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू बराबर आ गया आपके एफ डॉट डी एक्स। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा। थीटा कितना? पाई। तो वर्क डन हो जाएगा एफ डी एक्स कोस 180। क्यों? क्योंकि इनफिनाइट से था इस पॉइंट तक लेके आया, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, लेके आ रहा हूं मैं, वर्क कर रहा हूं इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वर्क किया जा रहा है इधर, ये 180। एफ डी एक्स कोस 180, कोस पाई की वैल्यू होती है -1। तो वर्क डन हो गया आपके पास माइनस एफ इंटू डी एक्स। वर्क डन की जो वैल्यू आई है आपके पास वो आ गई है माइनस एफ डॉट डी एक्स। अब फोर्स क्या होता है? कूलम्ब फोर्स है। क्या लगेगा? के क्यू क्यू नॉट, इसको यहां तक ले आया मैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन बीच की डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आर है, और ये डिस्टेंस मानी है मैंने एक्स, तो ये बन जाएगी के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कौन सी? इसको यहां तक लेके आना मैं, ये डिस्टेंस बन जाएगी एक्स, तो के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये सॉरी ये फोर्स। तो वर्क डन क्या होगा? माइनस के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो कॉन्स्टेंट टर्म है सबकी सबको बाहर ले लेंगे। ठीक है, नेटवर्क डन निकालना पड़ेगा हमें, नेटवर्क डन डब्लू, डी डब्लू को डब्लू बनाते हैं विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लो, माइनस के क्यू क्यू नोट बाहर आ गए इंटीग्रेशन से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट लगी इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, ओ से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है? आर।
तो इन्फाइनाइट टू आर तक लाने में ओ से ये दूरी इन्फाइनाइट, अब इसको मैं यहाँ ले आया तो ओ से ये दूरी हो गई इन्फाइनाइट से आर तक, लिमिट लगा दी इन्फाइनाइट टू आर। सोल्व किया इसको, सोल्व करने पर आएगा डब्लू बराबर माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट टू आर, पावर ऊपर ले जाओ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स की पावर माइनस टू का, माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई इन्फाइनाइट टू आर, तो ये माइनस आएगा आगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वर्क डन हो गया आपके पास के क्यू क्यू नोट अपॉन एक्स, ये बेटा माइनस एक्स की पावर माइनस वन, तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाती है वन अपॉन एक्स इन्फाइनाइट टू आर। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा आपके पास के क्यू क्यू नोट अपॉन लिमिट लगा दो आर वन अपॉन आर माइनस वन इन्फाइनाइट, तो यह गया आर, वर्क डन हो गया के क्यू क्यू नोट अपॉन आर, ठीक है के क्यू क्यू नोट अपॉन आर। लेके किसको आया था मैं इन्फाइनाइट से पॉइंट पी तक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्या है क्यू नोट, तो मैं इसको लिखता हूं W अपॉन ये Q नोट इधर ले आओ KQ अपॉन R, W अपॉन Q नोट क्या बन जाएगा, W अपॉन Q नोट क्या बन जाएगा, यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क, कहां से लेके आए यूनिट चार्ज को, अब यूनिट चार्ज पर किया गया वर्क दो प्रकार का, एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है वो कहलाता है विद्युत विभवांतर, और एक अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो कहलाता है विद्युत विभव। हम क्यू नोट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ला रहे हैं, इसलिए यह होगा विद्युत विभव, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो W अपॉन Q नोट बन गया V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यह आ गया KQ अपॉन R, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है KQ अपॉन R, और इसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, ठीक है इसे नोट करना है आपको। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया था, हमने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू, हमने एक सोर्स चार्ज लिया बिंदु आवेश लिया क्यू, इस बिंदु आवेश को ओ पर रखा, इस ओ से पी पॉइंट पर हमें विद्युत विभव निकालना है। विद्युत विभव की डेफिनेशन कहती है किसी एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होगा, इसका मतलब मेरे को अनंत मानना पड़ेगा, उस अनंत पे मेरे को एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को उठा के मेरे को यहां तक लाना है, यहां तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होगा। चूंकि दूरी हमने अनंत मानी है इसलिए वर्क एलिमेंट्री होगा, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ले लिया, इसके लिए मैंने ये पॉइंट माना, ये जरूरी नहीं है बीच में ही माना जाए, ये यहां भी मान सकते हो आप, कहीं भी मान सकते हैं। ये वर्क डन हो गया एफ इंटू डी एक्स, अब फोर्स होता है के क्यू नो क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के हमने सोल्व किया इंटीग्रेशन करके, ये पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला मिल गया। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, अगले टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं।
विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। एक चीज देखिए, विद्युत क्षेत्र जिसका सिंबल है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के ऊपर मैंने एरो लगाया है जबकि वी के ऊपर एरो नहीं लगाया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जबकि विद्युत विभव अदिश राशि है। मान लीजिए ये मैंने चार्ज रखा Q, ठीक है, यह चार्ज मैंने रखा लोकेशन B पर। अब चूंकि चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से, या मैं ये कह दूं कि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी पर एक चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट बी पर एक चार्ज रखा है, बिंदु आवेश रखा है क्यू, इस पॉइंट पर एक बिंदु आवेश रख दिया मैंने क्यू। अगर ये आवेश यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो मेरे को पता है कि किसी भी आवेश पर विद्युत क्षेत्र में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है एफ बराबर क्यू ई। अगर ये धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, किस तरफ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैंने क्या किया, इस आवेश Q को बिंदु A से, बिंदु B से बिंदु A तक विस्थापित कर दिया। ये बिंदु B पर है और मैंने क्या किया है, इस आवेश को बिंदु B से कहां लेके जा रहा हूं मैं, बिंदु A पर, और B से A के बीच की दूरी है, बहुत कम दूरी मैंने ली है, वो है dr। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आवेश रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगता है। मैंने इस आवेश Q को बिंदु B से अल्पांश दूरी बिंदु A तक विस्थापित किया। अब B से A तक ले जाऊंगा तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको यही करना है, इसे बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। तो मैं लिखूंगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू बाई स्मॉल डिस्टेंस बाई डी आर। तो वर्क डन होगा, एलिमेंट्री वर्क है तो एलिमेंट्री को डी डब्ल्यू कर दीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स या एफ डॉट डी आर, यहां दूरी डी आर मानी है तो डी एक्स की जगह कहिए डिस्प्लेसमेंट हो गया डी आर, तो एफ डॉट डी आर ये मिलेगा एफ डी आर कोस थीटा। ये जो चीज हमें मिलके आई है वो मिली है एफ डी आर कोस थीटा। थीटा कितना, वही पाई, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ डी आर कोस पाई या कोस 180, कोस पाई की वैल्यू -1, तो वर्क डन हमें मिल गया माइनस एफ डी आर। अब एफ यहां क्या है, क्यू इंटू ई, ठीक है, फोर्स की वैल्यू रख दीजिए तो वर्क डन बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस Q
क्यू इंटू ई डी आर। इस क्यू को लेके इधर ले आइए, अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ये क्या होता है? किसी आवेश एकांक आवेश पर किया गया कार्य है विद्युत विभव। विद्युत ये वर्ग देखिए पहले, तो विभव और विभवांतर दोनों हो सकता है। अब एकांक आवेश को मैं कहाँ ला रहा हूँ? ये क्यू चार्ज अनंत में रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा था? ये क्यू चार्ज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन है यहां बी टू ए। पीछे जो मैंने बताया था अभी, पीछे वाली कैलकुलेशन जो हमने किया था, वहां क्यू चार्ज जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिया था उसको लेके आया था मैं। वो कहां से आया था? अनंत से। यहां चार्ज क्यू है, ये कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही पॉइंट बी पे रखा है और इसे पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके गए हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत विभव। ये होगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य है, तो ये कहलाएगा विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर तो ये बन जाएगा डीवी नॉट वी माइनस ई डी आर। ठीक है, ये डी वी बराबर माइनस ई डी आर, या ई बराबर ये डी आर इधर आ जाएगा, माइनस को भी ले लो चाहिए तो, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रिलेशन विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का रिलेशन कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन बन के आता है। E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, या डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर। वैक्टर में लोगे तो E डॉट डी आर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। आगे फिर स्टडी करते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिल गया E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन हमें मिला है। ठीक है, यहां एक और इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, वो आ रही है नेगेटिव साइन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म मिली है नेगेटिव साइन। अब इस नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है? ठीक है, इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए क्या है, ठीक वही चीज मैं दोबारा ले रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां रखा हुआ है चार्ज कैपिटल क्यू। अब चूंकि दोबारा देख लीजिए, ये मैंने रखा यहां पर चार्ज क्यू, ठीक है, ये चार्ज मैंने क्यू रखा है। अगर ये चार्ज क्यू है तो ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना रहा है? कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो इस चार्ज ने भी अपने चारों ओर क्या किया है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण किया है। ये अनंत इनफिनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है?
इन्फानाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इन्फानाइट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे? इन्फानाइट पे जीरो। क्यों? क्योंकि के क्यू अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया, तो नीचे जीरो वैल्यू क्या बन जाएगी? इन्फानाइट, सॉरी ये जीरो नहीं, ये हो गया इन्फानाइट, ये इन्फानाइट होते ही वैल्यू हो जाएगी जीरो। और इन्फानाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? कॉन्स्टेंट। क्यों? ये देखिए डी वी बराबर माइनस ए इंटू डी आर, ये हो गया जीरो, तो डी वी बराबर जीरो। डी वी का इंटीग्रेशन करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वी बराबर कॉन्स्टेंट। इन्फानाइट पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है, जबकि इन्फानाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद रखना। अनंत पे कोई चार्ज रखा था Q, इस चार्ज को मैंने अनंत पे, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, अनंत से इस चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया और ला के पॉइंट बी पे ले आया। ये क्यू चार्ज था, इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फानाइट से उठा के मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया। क्या मेरे को वर्क करना पड़ा? देखिए कैसे करना पड़ा, इस चीज को समझना, यहां वर्क करना पड़ा कैसे। ये इन्फानाइट पे चार्ज रखा है क्यू, जैसे ही मैं लेके आता हूं ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये इस क्यू का। ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को जैसे ये इसकी रेंज में आता है रिपल करेगा, ये कैपिटल क्यू इस स्मॉल क्यू को वापस इस डायरेक्शन में फेंकेगा, ठीक है। कैपिटल क्यू है, ये देखिए आप, ये रहा कैपिटल क्यू, ये है स्मॉल क्यू, जैसे ये इस रेंज में आया ये वाला इसको क्या करने वाला है? रिपल करेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ फेंकेगा। और मेरा पर्पज क्या है कि मेरे को इसको और आगे लेके आना है, ठीक है। ये यहां तक आ गया, फेंकेगा, मेरा पर्पज है इसको और आगे लेके आना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फोर्स लग रहा है इस तरफ, मेरे को वर्क करना पड़ रहा है इस तरफ, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मेरे को फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यहां वर्क करना पड़ा बी, ठीक है। ए तक अगर मैं चार्ज को लेके आऊं तो भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पॉइंट तक लेके आया तो भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा, और बी से और आगे खिसका के लेके आया तो ए पर भी वर्क करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि बी पॉइंट पे वर्क ज्यादा होगा कि ए पॉइंट पे वर्क ज्यादा होगा? बी पॉइंट पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि ए पॉइंट पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? दोबारा देखिए, ये कैपिटल क्यू ये अनंत पे रखा हुआ है, ये कैपिटल क्यू ये इन्फानाइट पे रखा हुआ है स्मॉल क्यू, मैंने इसको लेके आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आया गया ये वाला इसको रिपल कर रहा है, लेकिन मैंने इसको जैसे तैसे करके यहां लाके फिक्स कर दिया, ये है लोकेशन बी, वर्क करना पड़ा। ये देखिए इस बी पॉइंट और इस चार्ज के बीच में दूरी इतनी है, और मेरे को इधर लेके आना पड़ा, दूरी कम हो गई, दूरी कम हुई तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ गया, ठीक है। दूरी कम हुई तो रिपल्शन का फोर्स क्या हो गया? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी बढ़ते ही रिपल्शन का फोर्स, दूरी कम हो गई, दूरी कम होते ही रिपल्शन का फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया, ये दूरी कम हो गई है। यहां दूरी ज्यादा थी, बी पॉइंट पे दूरी ज्यादा थी, फोर्स कम था रिपल्शन वाला, इधर फेंकने वाला फोर्स कम था, तो मेरे को कम वर्क करना पड़ा इधर लाने के लिए, इस तरफ लाने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये दूरी कम हो गई, अब कम हो गई तो रिपल्शन का फोर्स बढ़ गया, इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, अब मेरे को यहां से वापस इसको यहां तक लाना है, यहां से यहां तक लाना है, फोर्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे आ रहा हूं मैं वैसे वैसे रिपल्शन का फोर्स बढ़ रहा है, मेरे को वापस इधर आना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ए पॉइंट पे वर्क बी पॉइंट के कंपेरिजन में अधिक होता है, तो मैं लिखूंगा वर्क एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन वर्क एट पॉइंट बी।
ये डायरेक्शन किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये दूरी हमने डी आर ही मानी थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल बढ़ने की डायरेक्शन कैसी है? वर्क डन ज्यादा हो रहा है और मैंने लिख दिया वी ए और वी बी। किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है? जिस पे वर्क ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिस पे वर्क कम होगा उसका पोटेंशियल कम होगा। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल बी पॉइंट पर पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल बी पॉइंट पर पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। और पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या है? बी टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल विभव बढ़ता है। यहां कम था, यहां और ज्यादा हो गया, यहां और ज्यादा हो गया, और यहां सबसे ज्यादा हो गया, और यहां लूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रहा है, पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। यह पॉइंट हमें याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो मैं लिखूंगा नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल इंक्रीज पोटेंशियल इंक्रीज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाने पर विभव हमेशा बढ़ेगा। नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल इंक्रीज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जाने पर विभव हमेशा बढ़ेगा। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू बी। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ए टू बी, पोटेंशियल बढ़ रहा है बी टू ए। तो ए पॉइंट पे अधिक पोटेंशियल होगा बी के कंपेयर में, ये मतलब होता है नेगेटिव साइन का। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज्यादा यूज करेंगे इस रिलेशन का, आगे तक यूज करेंगे, इसलिए इसे याद रखना है। इसी चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यह हमें पता चल गया। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, ये दो प्लेटें हैं मेरे पास, ये दो प्लेटें, ठीक है। इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम। और दोनों ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 0.25 मीटर। आपको बताना है इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना है डीवी। इन प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना है? दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलाम का, और प्लेटों के बीच की दूरी है
0.25 मीटर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ए प्लेट से बी प्लेट की ओर। आपको बताना है डीवी इन प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, इन प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है। विभवांतर का फॉर्मूला डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन को शो करेगा, जबकि कैलकुलेशन में माइनस का कोई रोल नहीं होना है। तो डी वी बराबर आएगा ई की वैल्यू कितनी 20 मल्टीप्लाई बाई 0.25। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला 5 वोल्ट का। प्लेट ए और प्लेट बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 5 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि इफ यही क्वेश्चन है, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलाम, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है 0.25 मीटर और पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, विभवांतर है प्लेटों के बीच में 5 वोल्ट का। इफ पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 30 वोल्ट है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 30 है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, डिफरेंस कितना रहा है 5 का। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल या तो मिलेगा 25 वोल्ट या मिलेगा 35 वोल्ट, दोनों में से कौन सा सही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 5 आ रहा है तो 5 का डिफरेंस तो तभी आएगा, एक का 30 है तो दूसरे का या तो 35 हो या 25 हो। कितना होगा 25 वोल्ट की 35 वोल्ट, 35 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जानने पर पोटेंशियल बढ़ता है, मेरा कंसेप्ट यही कंसेप्ट इसका आंसर दे रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जानने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बी से ए जानने पर पोटेंशियल बढ़ता है। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर 30 वोल्ट है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, इसलिए 25 नहीं होगा आंसर, आंसर होगा 35, आंसर बनेगा 35। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। और इस तरीके से हमने नेगेटिव साइन का भी यूज करते हुए वैल्यू निकाल ली, 30 माइनस 25 भी होता है, 35 माइनस 30 भी होता है, 5 का डिफरेंस, बट हमें देखना है कि 35 आएगा कि 25। और इसको देखने के लिए हमने कंसेप्ट लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि हुई है ए टू बी, इसका मतलब यहां पोटेंशियल कम होगा और यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलो पोटेंशियल बढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल समझ में आ गया। अगला प्रिंसिपल, अब अगला ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट ए पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है, ए पॉइंट के पॉजिटिव
पर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज को पकड़ रखा है। इधर है पॉइंट बी और इधर मान लिया ए के पॉइंट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड के ए पोजीशन पर कोई चार्ज है, इसको मैंने पकड़ रखा है। अगर मैं इस चार्ज को छोड़ दूं, अगर मैं इस चार्ज को रिलीज करूं, फ्री कर दूं, छोड़ दूं, तो आप ये बताइए ये चार्ज सी पॉइंट की तरफ जाएगा कि बी पॉइंट की तरफ जाएगा। चार्ज सी पॉइंट की तरफ जाना है कि बी पॉइंट की तरफ जाना है, आप ये बताइए मेरे को। पहली चीज हमने क्या याद की, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स लगता है किस तरफ, पहली चीज हमने क्या याद की है। ए और बी दोनों में से किसका पोटेंशियल बड़ा है, दोनों में से किसका पोटेंशियल बड़ा है, ए और बी में से। इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई चार्ज मैं लेके आया था अनंत से, यहां रखा तो थोड़ा वर्क करना पड़ा, और आगे बढ़ा तो वर्क बढ़ गया, और आगे बढ़ा तो वर्क बढ़ गया। इसका मतलब ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी पर। और ए और सी का कंपेयर करूं तो सी पर ज्यादा होगा पोटेंशियल ए के कंपैरिजन में, ठीक है। अब एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगता है और वो उस तरफ दौड़ने लगता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया ये किधर गया, बी पॉइंट की ओर। किधर गया, बी पॉइंट की ओर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे फोर्स लगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। इस पे फोर्स लगेगा एफ बराबर क्यू ई, किधर, इधर। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, बी की तरफ गया ये। ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। एक धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, जबकि एक ऋणात्मक आवेश, इसका उल्टा कर दो, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मूव करेगा। धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर मूव करता है। तो हमें दो बात याद रखनी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, और दूसरा यदि मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लाके फ्री कर दूं, छोड़ दूं, तो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने पढ़ी, ये पोटेंशियल के नेगेटिव साइन से रिलेटेड कुछ बातें थी। इनके ऊपर कई दफ़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। धन्यवाद।